नमस्कार, बीएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा संस्कृत का शिक्षण शास्त्र। और आज हम जो बात करने वाले हैं अपने ऑनलाइन वीडियो के अंतर्गत, वो बात करेंगे कि शिक्षण में अधिगम सामग्री। हमने बात कर ली कि शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है, संस्कृत शिक्षण में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, वो चर्चा भी हम लोगों ने करी, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी विशेषता कौन कौन सी होनी चाहिए और इसे कितने भागों में बांटा गया है, वो सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं उन्हीं चीजों के बारे में जो सहायक सामग्री संस्कृत शिक्षण में उपयोग में लाई जाती है, उसी में कुछ तीन सामग्रियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला है वस्तु, दूसरा चित्र और प्रतिरूप। सभी जानते हैं वस्तुएं क्या होती है और संस्कृत शिक्षण में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वस्तु के बारे में बात करेंगे। क्या होती है वस्तु? तो ये क्या है? डस्टर, ये भी वस्तु है। ये चौक है, ये भी वस्तु है। इसके अलावा जैसे कि मैंने ये दो मार्कर पेन लिए हैं, ये भी क्या है? वस्तु है। इसके बाद ये जो हमारा वाइटनर है, इसके अलावा ये घड़ी है, ये भी वस्तु है। अब मान लो संस्कृत में पार्ट है, भी पार्ट बच्चों के लिए घड़ी का, घड़ी का पार्ट आता है। अब अध्यापक है, कक्षा के अंतर्गत अगर बड़ी घड़ी ले जा सकता है तो इतनी बड़ी जो साइज में पर्याप्त हो, इस प्रकार की घड़ी बच्चों के सामने लेकर जाए और उस घड़ी को सामने रखते हुए उससे संबंधित सारी जानकारी विद्यार्थियों को संस्कृत में दे दे, तो इससे क्या होगा कि वस्तु उनके समक्ष प्रस्तुत भी हो जाएगी और विषय सामग्री की जानकारी भी अध्यापक विद्यार्थियों को दे सकता है। इसके अलावा अगर मान लो किसी सब्जियों या फलों के बारे में जानकारी देनी है, तो अध्यापक उन फल और सब्जियों से संबंधित जो सामग्री है उसको कक्षा में लाए, एक बेंच पे रख दे, जिस सामग्री के बारे में, जिस सब्जी के बारे में या जिस फल के बारे में बातचीत की जा रही है, उस फल को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करे और उससे संबंधित जानकारी उन्हें दे। तो इस प्रकार से वस्तु का प्रयोग हम संस्कृत शिक्षण में कर सकते हैं और जो वस्तुएं कक्षा में लाई जा सकती है उन्हें एक अध्यापक कक्षा में लेकर आए तथा विद्यार्थियों के समक्ष उससे संबंधित जानकारी प्रस्तुत करे। दूसरी बात है चित्र। अब चित्र का प्रयोग, तो मान लो वृक्ष से संबंधित कोई पाठ आ रहा है, तो अध्यापक है इस प्रकार से क्या करेगा, वृक्ष का निर्माण कर देगा। अब वृक्ष से संबंधित अगर मान लो फलों की बात करनी है, तो ऐसे इस प्रकार से फल के बारे में बता देगा। अगर मान लो कोई पत्तीदार वृक्ष की बात कर रहा है, तो इस प्रकार से वृक्ष की टहनियां निकालते हुए और यहाँ पर पत्तियां बना दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, इन चित्रों के माध्यम से अध्यापक है विद्यार्थियों को जो विषय वस्तु की जानकारी देना चाहता है वो जानकारी दे सकता है। अगर मान लो मम विद्यालय का पाठ है, तो अध्यापक क्या करेगा, एक विद्यालय का चित्र विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर देगा, उसमें विभिन्न प्रकार का जो खेल का प्रांगण बना देगा, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, जल के यहाँ पर जल की जो व्यवस्था है, इस प्रकार से चित्र बना देगा। विद्यालय का जो सभागार है, यहाँ पर प्रार्थना सभा होती है, इस प्रकार से। तो अध्यापक है किसी भी जो विषय वस्तु दी गई है या फिर जो टॉपिक है उस पर आधारित चित्रों का निर्माण श्याम पट पर करेगा तथा विद्यार्थियों को सारी जानकारी वो उसी वक्त दे सकता है। तो चित्र का प्रयोग हम लोग इस प्रकार संस्कृत शिक्षण में कर सकते हैं। अब बात आती है मॉडल की। मॉडल मतलब होता है प्रतिरूप, हिंदी में हम इसे प्रतिरूप बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे मॉडल बोलते हैं। तो आप लोग तो जानते हैं मॉडल, मॉडल के बारे में, आप मॉडल आप लोगों ने हमारे जो कार्यशाला हुई थी, वर्कशॉप, उसमें भी आप लोगों ने मॉडल बनाए हैं। और हम बात करें संस्कृत शिक्षण में मॉडल की, तो संस्कृत शिक्षण में भी हम मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप लोगों ने एक मॉडल बनाया था, ये मॉडल आप लोगों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये मॉडल बनाया था। अब इसके अंतर्गत संपूर्ण जो काक की कहानी प्यासा का हुआ, उस कहानी के चार भाग करते हुए और क्या कर दिया, इस कहानी को पूरा प्रस्तुत कर दिया गया। तो इस प्रकार से भी इस संस्कृत शिक्षण के अंदर इस प्रकार का जो मॉडल बनाकर और कहानी है, इसके अलावा अगर वो कविता है तो कविता से संबंधित भी जो चित्र उसमें बताए गए हैं, या फिर वीरता संबंधित है तो युद्ध का जो वर्णन दिया गया है उससे संबंधित जो पाठ करते हुए भी बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि मॉडल के द्वारा हम लोग विद्यार्थियों को जानकारी दे सकते हैं। तो ये देखिए मॉडल जो आप लोगों ने बनाया था, पैसा कौवा जो कहानी है उस पर आधारित मॉडल है और इसके चार भाग करते हुए बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से शिक्षक है वो जानकारी दे सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक है वो अपनी कक्षा के अंतर्गत वस्तुओं को दिखाकर, चित्र बनाकर तथा अपने द्वारा तैयार किए किसी मॉडल के आधार पर अपने विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि संस्कृत शिक्षण में हम लोग वस्तु, चित्र और प्रतिरूप का किस प्रकार प्रयोग करेंगे और यही चीज आपके लेसन प्लान में भी आने वाली है। तो आप किसी, अगर आप मान लो अगर आपने
प्रस्तावना किसी फल को लेकर करिए तो फल को आप कक्षा में ले जाइए और फल दिखाकर विद्यार्थियों को प्रस्तावना प्रश्न कर दीजिए। तो यहाँ पर हम हर चीज का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को सहायक सामग्रियों के बारे में बारीकियों से बताया इसलिए जाता है। ये केवल आपको याद करने के लिए नहीं है, ये आप लोग इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं ये इसीलिए जानकारी देने के लिए है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना है। तो आप लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य आपका है संस्कृत शिक्षण में वस्तु चित्र एवं प्रतिरूप का उपयोग एवं महत्व स्पष्ट करें। सहायक सामग्री का सभी का महत्व उसी एक ही प्रकार से होता है तथा उपयोग भी हम लोग जानते हैं। पर्टिकुलर आपको वस्तु चित्र और प्रतिरूप को ध्यान में रखकर इसका उपयोग बताना है। और अंत में आप लोग ध्यान दें कि इस महामारी जो अभी चल रही है और लगातार इसका हमें देखने को मिल रहा है कि बढ़ ही रही है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक कार्य हम तो घर से बाहर जाए। यदि बाहर जाते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।